नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बाराबंकी में एक युवक की गला रेत कर हत्या, जंगल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक की पहचान भेलवन निवासी कुलदीप कुमार रावत के रूप में की गई। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा के अकबरपुर गांव का मामला। बाराबंकी जिले में बबलू यादव हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को भेजा जेल। असंद्रा थाना क्षेत्र के मानपुर मकोहिया में 4 जनवरी को हुई थी बबलू यादव की हत्या। बाराबंकी में गौ तस्करों के ऊपर पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने कसी नकेल, एक गौ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी परवेश कुमार चौहत्तीपुर थाना जैतपुर का निवासी। इससे पहले कोटी थाना पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार कर 9 गौवंश किए थे बरामद। बहराइच जिले की तहसील मिहिपुरबा में धूमधाम से मना संपूर्ण समाधान दिवस। जिलाधिकारी शंभु कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों की समस्या सुनकर निस्तारण का दिलाया भरोसा। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संगन मिशन इंद्रधनुष का उद्घाटन। सरायमीर के मिर्जापुर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बच्चों को 5 बूंद ड्रॉप पिलाकर किया शुभारंभ। मुगलसराय पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता, झारखंड निवासी एक महिला सहित 4 शातिर जालसाज नकली नोट के साथ गिरफ्तार। 37,500 रुपए के नकली नोट बरामद। नकली नोटों में 100, 200 और 500 के नोट मौजूद। भारत के अलावा नेपाल तक फैला इनका जाल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट किया जारी। 4 दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जाएगी फांसी। सुल्तानपुर जिले की तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री इंदुमती ने लिया हिस्सा। सुनी जन शिकायतें, फरियादियों को दिलाया न्याय का भरोसा। सुल्तानपुर जिले में दबंग ठेकेदार ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार की जेसीबी और मार्केट में लगाई आग। 2 दिन पहले भी हुआ था विवाद। नगर कोतवाली के पोस्टमार्टम हाउस तिराहे के पास की घटना। सुल्तानपुर में एसएफआई के लोगों ने आजाद पार्क के पास जेएनयू वाइस चांसलर का फूका पुतला, किया विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि पर रोक लगाने की मांग। सुल्तानपुर जिले में 77वें जन्मदिन पर याद किए गए समाजसेवी भारत भूषण मिश्रा। परिजनों ने किया विविध कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित जय नारायण तिवारी और ज्योतिषी पंडित रामचंद्र शुक्ला। सैकड़ों गरीबों को बांटे गए कंबल। जेएनयू के छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर एबीवीपी के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से इनकम टैक्स पटना तक युवा राजद द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च। राष्ट्रीय जनता दल युवा इकाई द्वारा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का इनकम टैक्स ऑफिस पटना में फूका गया पुतला। जेएनयू हमले के विरोध में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने ली जेएनयू हमले की जिम्मेदारी।